أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग हो गई है वैसे टू ऑल IGCSE स्टूडेंट्स, जो कि पहला लेक्चर अटेंड करने आए हैं आज. स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर तो हो गया, मैंने बता दिया हम कैसे चैप्टर से वो गो थ्रू करेंगे और सारा. स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी आप IGCSE में हैं या ओ लेवल्स में हैं, अभी कुछ मुश्किल नहीं है, अभी चीज़ें आसान हैं, आप कवर कर सकते हैं और सारा कुछ. लेकिन आगे चीज़ें जैसे जैसे आप आके जाते रहेंगे चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी. तो आपसे सिर्फ हमें एक गुजारिश कर रहे हैं कि जो हम क्लास में पढ़ाते हैं वो आप लाजमी तौर पर घर जाके पढ़ें, वो रिवाइज करें, उसके पेपर पास्ट पेपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और रोज का रोज पढ़ें. चीजें इकट्ठी होने ना दें, अभी से ही आदत डाल लें. फिर जो बच्चे अभी से ही नहीं पढ़ते वो फिर आगे जाके ए लेवल्स में भी नहीं पढ़ते, और ए लेवल्स में वो फिर आपको पता है उनका हाल क्या होता है. फिर तो फर्स्ट डे से ही पढ़ना है आपने, और बाकी कोई चीज मुश्किल नहीं होती, बस मेहनत आपने करनी है, बाकी अल्लाह ताला पर छोड़ दें. अच्छा जी, सबसे पहला चैप्टर जो है हमारे पास वो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है, और आगे चलते हैं. तो सबसे पहले हम बात अगर कर रहे होते हैं तो वो स्टेट्स ऑफ मैटर की है. तो हम ये बात करते हैं कि जो मैटर है, इट इज एनी सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाइज फिजिकल स्पेस. जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर स्टेट्स दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड दे आर ऑलवेज इन कॉन्स्टेंट मोशन. तीन स्टेट्स ऑफ मैटर्स होते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज. ये अभी शुरू शुरू वाली वो प्रेजेंटेशन है, तो इसमें जरा एनिमेशन है, आगे नहीं होंगी. सॉलिड्स की अगर बात करें तो पार्टिकल्स आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर. एटम्स जो हैं दे आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल्स. और फिर ये होता है कि दीज पार्टिकल्स देयरफॉर कैन नॉट मूव. इसके अलावा दे वाइब्रेट कॉन्स्टेंटली एट देयर मीन पोजिशन, दे हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. और बाय गिविंग अ सॉलिड एनर्जी, अगर आप एनर्जी कैसे देते हैं, हीट करके देंगे, तो पार्टिकल्स जो होंगे दे विल बिगिन टू वाइब्रेट मोर विगरसली. और पहले अगर वो देखो सॉलिड में ऐसे 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 पार्टिकल्स अगर पड़े हुए हैं, तो अगर आप इसको हीट करते रहेंगे तो पार्टिकल्स मूव करना शुरू होंगे, पार्टिकल्स ज्यादा तेज वाइब्रेट करेंगे. अगर अभी ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, तो फिर ये तेज तेज वाइब्रेट करेंगे. अगर पहले ऐसे था, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा था, हीट करोगे तो ऐसे 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 तेज तेज वाइब्रेट करो. समझ आ गई ना? अच्छा जी, उसके अलावा ये हो गया. और उसके बाद जैसे जैसे आप हीट करते जाते हैं तो पार्टिकल्स जो हैं दे बिगिन टू सेपरेट एज दे स्टार्ट टू ओवरकम अट्रैक्टिव बॉन्ड्स. ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि इवेंचुअली द पार्टिकल्स विल हैव इनफ सेपरेशन टू मूव पास्ट वन अनदर बट स्टिल केप्ट रिलेटिवली क्लोज, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स विल स्टिल एग्जिस्ट. और सॉलिड जो होगा वो ऑफिशियली लिक्विड हो जाएगा इसके बाद. ठीक है, अब सॉलिड्स आपको समझ आ गया, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं लिक्विड्स में क्या होता है. ये शू नीचे गिर गया. ओके, लिक्विड्स की में हम ये कहते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं दे आर लूजली अरेंज, खुले खुले, जरा खुले खुले होते हैं, और दे कैन मूव पास्ट वन अनदर. मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती, सॉलिड्स में मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, वो कहीं इधर उधर नहीं जा सकते. लिक्विड्स, अब लिक्विड्स में जो होते हैं वो पार्टिकल्स लूजली अरेंज होते हैं, तो वो एक थोड़ा सा मूव कर सकते हैं. और जिस भी कंटेनर में अगर आप उनको डालोगे तो वो उसकी शेप, दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर विद देयर. सिलेंडर में डालोगे तो सिलेंडर शेप में आ जाएंगे, बड़े से टब में डालोगे तो टब शेप में लिक्विड आ जाएगा. और द पार्टिकल्स देमसेल्व्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन. ठीक है, वो कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन से मूव कर रहे हैं.
बाय फर्दर हीटिंग द लिक्विड द पार्टिकल्स गेन इवन मोर एनर्जी, ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि दिस विल सेपरेट द पार्टिकल इवन मोर एज दे ओवरकम मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट. अब आगे आते हैं और बात करते हैं कि गैसेस में क्या होता है. तो गैसेस में ये होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, समझे, ये आपके पास पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, तो डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल ए एंड बी बहुत ज्यादा होगा, ये दूर दूर होते हैं. और पार्टिकल्स जो होती हैं दे आर इन अ कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन, और गैसेस भी जो होती हैं दे टेक द शेप ऑफ इट्स कंटेनर. बोतल में डाल दो तो बोतल में आ जाएंगी, टब में डाल दो टब में, हाँ, सिलेंडर में डाल दो सिलेंडर में आ जाएंगी, सिरिंज में डाल दो सिरिंज में आ जाएगी. और गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, ठीक है, इसकी अभी मैं लॉजिक आगे बताता हूँ कि गैसेस कैसे कंप्रेस हो सकती हैं. और ये है कि अगर आप एनर्जी लेना शुरू कर दें गैस से, दैट इज उसको कूल करना शुरू कर दें, देन इंडिविजुअल पार्टिकल्स विल हैव लेस एनर्जी टू ओवरकम अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड विल इवेंचुअली टर्न बैक इनटू अ लिक्विड. सिमिलरली बाय कूलिंग अ लिक्विड इट विल टर्न इनटू अ सॉलिड, ठीक है. अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं कि ये एक हमारे पास एक सेकेंड है, हमारे पास सॉलिड लिक्विड गैस. तो सॉलिड में आप देख सकते हैं कैसे पार्टिकल साथ साथ हैं, लिक्विड में थोड़े से दूर खुले खुले हैं और गैसेस में तो बिल्कुल दूर दूर है. अब हमने बात ये की थी कि आपने पूछा कि सर कैसे कंप्रेस हो सकती हैं गैसेस. देखें हमारे पास एक ये सॉलिड है, मैं रफ सा बना रहा हूँ, ज्यादा मैं ड्राइंग पर तवज्जो नहीं देता होता अक्सर. अच्छा, ये आपने देख लिया ये सॉलिड्स हैं, ये लिक्विड्स हैं, ये गैसेस हैं. अब हुआ ये है कि देखो इसको कंप्रेस करो, यहां से इसको कंप्रेस, ये होगा कंप्रेस नहीं होगा ना, क्योंकि पार्टिकल्स पहले साथ साथ एक साथ जुड़े हुए हैं, ये बेसिकली कंप्रेस भी है, ठीक है. लिक्विड को करोगे तो लिक्विड शायद थोड़ा सा हो जाए कॉम्प्रेस, लेकिन लिक्विड भी नहीं होगा क्योंकि पार्टिकल साथ साथ. गैसेस इसलिए हो जाएंगे, गैसेस जो हैं वो दूर दूर हैं पार्टिकल्स, तो अगर इसको कॉम्प्रेस करोगे तो ये पार्टिकल साथ साथ आ जाएंगे, ठीक है. दूर दूर थे ऐसे कॉम्प्रेस किया साथ साथ आ गए, ठीक है. अच्छा जी, ये कौन लॉजिक हम देखते हैं, हम ये कह रहे हैं कि सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो, लिक्विड से गैस जा रहे हो, आप सॉलिड से अगर लिक्विड, लिक्विड से गैस जाना है तो एनर्जी ऐड करते जाओगे, और अगर गैस से लिक्विड, लिक्विड से फिर सॉलिड जाना है तो एनर्जी जो है वो रिमूव करते जाओगे. अगली चीज आती है ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. ये मैं आपको बताता हूं कि हाउ डज दिस वर्क. अच्छा, आपके पास एक सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, ठीक है. सॉलिड से लिक्विड जाना है तो मैं क्या करता हूं, मेल्ट करता हूं. लिक्विड से गैस जाना है तो मैं बॉइलिंग प्रोसेस इस्तेमाल करूंगा, ठीक है. गैस से लिक्विड जाना है तो मैं कंडेंसेशन करूंगा. लिक्विड से सॉलिड जाना है तो फ्रीजिंग होती है, ठीक है. ये आपको बातें देखो ना, आप तो ऑफकोर्स बड़े पुराने साइंस के स्टूडेंट्स हैं, सो यू नो के व्हाट एम आई सेइंग. और अगर सॉलिड से सीधा मैंने गैस जाना तो मैं सब्लिमेशन करूंगा, और गैस से अगर सीधा सॉलिड जाना है तो मैं डिपोजिशन करूंगा, ठीक है. ये सारे प्रोसेस हैं. आई एम सॉरी मेरी राइटिंग गंदी हो गई है जरा आजकल, लेकिन पढ़ी जा रही है बस, ठीक है, आपको समझ आ गई. आगे इसकी डायग्राम भी आ जाएगी, उससे भी आप देख सकते. तो आप लोग बचपन से साइंस स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को पता है कि मैं
क्या कहना चाह रहा हूँ उधर, एंड द पॉइंट, वो आपको पता है कि कैसे प्रोसेसेस कैसे होते हैं. अब ये आपकी फिलहाल सिलेबस रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप मेल्टिंग को एक्सप्लेन करेंगे कि भाई मेल्टिंग क्या होती है. ठीक है, ये इसकी डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं. ठीक है, रुकें, इंक आई भी है ना. जी ठीक हो गया. अच्छा जी, अब एक और चीज जो आती है वो ब्राउनियन मोशन. अब ब्राउनियन मोशन क्या कहती है? रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट था जिसने एक पोलन ग्रेन पानी में रखा और उसको ऑब्जर्व किया कि वो क्या करता है, और उसने ये रियलाइज किया दैट जो पोलन ग्रेन है इट वाज एक्चुअली मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन, वो इधर उधर मूव कर रहा है. ठीक है, और जो उसने एक डिस्क्रिप्शन दी और जो बनाई उसने डिस्क्रिप्शन, वो ये गिवन है इधर आपके सामने, ये वाली ना. तो बस ये ब्राउनियन मोशन है कि पोलन ग्रेन वाज एक्चुअली कॉन्स्टेंटली मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन. ये कॉल मैंने खुद बनाई थी कि अगर आपको पेपर में बनाने को आती है तो आप ऐसे ऐसे करके बना बना, ये भी चल जाएगी, पर आप ये बना, दोनों चल जाएंगे. अच्छा, अब आगे आते हैं ब्राउनियन मोशन की थ्योरी. तो हम ये कहते हैं कि द वाटर मॉलिक्यूल, अब ब्राउनियन मोशन की पेपर में हम क्या लिखेंगे? तो पेपर में अगर पूछेगा तो आप ये तो नहीं लिख सकते ना कि रॉबर्ट ब्राउन वाज ऑब्जर्विंग अ पोलन ग्रेन सस्पेंडेड इन वाटर, ही रियलाइज्ड ब्ला ब्ला ब्ला. आपने ये नहीं लिखा, आपने जो लिखना है वो ये लिखना है, इट इज द दूसरा पॉइंट, इट इज द एरेटिक रैंडम मूवमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इन अ फ्लूइड दैट इज पोलन, एस ब्रैकेट में लिखेंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट फ्रॉम मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड दैट इज वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, पेपर में ये डेफिनेशन लिखनी है, इट इज द एरेटिक रैंडम मूवमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इन अ फ्लूइड जिसमें पोलन थे, एज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट होगी फ्रॉम मॉलिक्यूल्स में से, और फिर एक फ्लूइड जो है वो उसने उसमें वाटर मॉलिक्यूल जो थे वो. ठीक है, इसके अलावा ऊपर अगर पॉइंट वाला, ऊपर वाला पॉइंट देखें तो ये है कि द वाटर मॉलिक्यूल एक्चुअली बॉम्बार्डिंग द पोलन ग्रेन्स इन रैंडम डायरेक्शन कॉज. ठीक हो गया. एक लास्ट चीज अगर देखें तो ब्राउनियन मोशन के साथ ही डिफ्यूजन आ जाती है. तो डिफ्यूजन क्या है कि इट इज अ नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन डाउन अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. द कॉन्स्टेंट रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड द काइनेटिक एनर्जी अलाउज डिफ्यूजन टू अकर. दिस मीन्स दैट पार्टिकल्स विल स्प्रेड आउट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये चीज है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाए. आपने कभी नोटिस किया आपके किचन में बिरयानी बन रही है, आपको कमरे का खुशबू आ रही होती है, वो क्यों आ रही होती है? वो इसीलिए आ रही होती है कि जो खुशबू है वो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जो है वो एक हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आ रहे हैं. किचन में हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी खुशबू की बिरयानी की, कमरे में लो होगी तो वो आएगी. ठीक है, इस तरह अगर आप जो है वो अक्सर ये होता है कि जिनके घरों में लोगों को एलर्जीज होती हैं परफ्यूम से, कुछ लोगों को एलर्जी होती है तो मुझे खुद है, तो अगर परफ्यूम लगाया जाए, अब देखें किसी ने आपके घर में किसी ने परफ्यूम लगाया, आप क्यों तंग हो रहे हो? आपने तो लगाया ही नहीं, क्यों हो रहे हो? क्योंकि उसने लगाया है, वो हवा में है, वो फिर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हो रही है तो उसकी भी डिफ्यूजन हो रही है, तो फिर हम तंग हो रहे होते हैं कि भाई तुमने क्यों परफ्यूम लगाया. सो ये वाला लेक्चर. अच्छा, एक और चीज ये है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को क्या चीज इफेक्ट कर सकती है? तो एक चीज है वो मॉलिक्यूलर मास है. हैवियर मॉलिक्यूल्स विल ट्रेवल स्लोअर देन लाइटर मॉलिक्यूल्स. इन अदर वर्ड्स, द हायर द मॉलिक्यूलर मास, स्लोअर द रेट ऑफ डिफ्यूजन. पेपर में एक क्वेश्चन आता होता है आपके, वो कहते हैं यार आई एम वेरी सॉरी ह्यूज राइटिंग, रुकें एक सेकंड.
पेपर में आपके क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है, वो कहता है कि इधर हमारे पास एक फॉर्म सा बड़ा हुआ है जिस पर एक सब्सटेंस लगा हुआ है और इधर दूसरा लगा हुआ है। अब वो कह देता है कि इधर NH3 लगा हुआ है, अमोनिया है, और इधर HCl है। और वो कहता है कि अक्सर वो पूछता है कि कौन सी चीज ज्यादा जल्दी डिफ्यूज कर रही है, डिफ्यूजन किसकी ज्यादा है, या वो पूछ रहा होता है कि इधर एक क्लाउडी फ्यूम्स बन रहे हैं, तो वो फिर आपने बताना होता है कि कौन सी चीज ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर रही है। तो आप क्या करोगे, NH3 का मॉलिक्यूलर मास निकालें, क्या होता है 40, 17, और इसका होता है 36.5, नहीं 37.5, नहीं होता 37.5, हाँ 37। ठीक है, तो अब हमने तो ये कहा ना कि मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा स्लोअर होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो हमने कहा कि NH3 जो है जिसका मॉलिक्यूलर मास 17 है वो ज्यादा जल्दी डिफ्यूज किया, और HCl जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज किया। तो ये क्वेश्चन भी आता होता है आपके पेपर में, आप जब पास पेपर्स करेंगे तो आपको अंदाजा होगा। इधर काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी का चैप्टर खत्म होता है, और बस इसके ये जरा शुरू के दो चैप्टर्स हैं, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी और एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, जो जरा छोटे हैं। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर आ जाएगा, बॉन्डिंग आ जाएगी, तो उसमें फिर जरा थोड़ी सी डिटेल आना शुरू होती है, लाइक थोड़ी सी, लेकिन ये अभी जरा एक्सपेरिमेंटल चैप्टर्स हैं ज्यादा ये पहले दो। तो इंशाल्लाह आपके साथ अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदोनबा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी दबाएं सब्सक्राइब करके, और लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और ये वीडियो शेयर भी करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अल्लाह।